हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मंथ की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। नाउ सरप्राइज सरप्राइज, एस्टिमेटेड टाइम से एक घंटा पहले हम लोग हाजिर हैं प्रोजेक्ट के ऑफिशियल फर्स्ट ग्लिम्स के रिएक्शन के साथ। अब बवाल देख रहे थे हम और हमको पता नहीं चला कि उधर बवाल हो चुका था और नोटिफिकेशन जो है एक बार मतलब ऐसे बारिश होने लगा, धर धर करके नोटिफिकेशन आने लगा। एंड जब हम देखे तो इट वॉज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट के टाइटल रिवील्ड, प्रीमियर हो चुका है, टीजर आ गया, मतलब ग्लिम्स आ गया और हमको लगा कि यार ये क्या हो गया। उसके बाद फिर पता चलता है कि जो HD में जो ग्लिम्स है वो लीक हो गया था अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद जो है मेकर्स को रिलीज़ करना पड़ा उसको जल्दीबाजी में। एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट, केयरलेस या फिर जो भी है, जिस भी रीज़न से हुआ, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ऐसा कुछ हुआ और कॉमिकॉन के बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के पहले यहाँ हुआ। बट एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है अभी कि हम बाद में बात करेंगे सबके बारे में। पहले चलते हैं वीडियो देखते हैं क्योंकि अभी तक हम देख नहीं है, एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है। चलो पहले देखते हैं प्रोजेक्ट के ऑफिशियल ग्रिम जो कि टाइटल हो चुका है कल की 2898 AD। नाउ दिस हैज़ माई एक्साइटमेंट गॉट रोलिंग। चलो चलते हैं वीडियो देखते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। रेडर्स कलयुग अपनी चरम सीमा पे आ चुका है। अच्छा लग रहा है वो एक गन, ये कौन है? दीपिका, रोबोट बच्चन साहब, फोर्स विल राइज, बजरंग बली है, कौन है वो? BGM अच्छा लग रहा है। ओह ये कहानी वाले हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑल। व्हाट इज प्रोजेक्ट के? इट्स अ गुड शॉट। कल की आखिर वही हुआ 2898 AD 2094। अच्छा रिलीज डेट रिवील नहीं किया यार। देखो ऑनेस्टली आई एम रियली इम्प्रेस्ड क्योंकि जो भी कुछ फर्स्ट लुक पोस्टर देखने के बाद जो भी कुछ सोचा जा रहा था उससे तो काफ़ी अलग है, और जो सोच रहे थे दिमाग में उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड और बहुत कुछ देखने को मिला, और 70-75 सेकंड कहीं था जैसा कि हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में उतना ही था। एंड काफ़ी कुछ मतलब फास्ट कट्स में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला, किस तरह से 2898 AD यानी कि 875 साल लगभग उसके बाद का बताया जा रहा है। तो आपको टेक्नोलॉजिकली उस वे में जाना पड़ेगा क्योंकि किस तरह का एडवांसमेंट हो गया रहेगा अभी तीन साल में, पिछले तीन साल में इतना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखे हम लोग। BGM बहुत ही इंट्रिगिंग था, कुछ अलग था, कुछ हटके था संतोष नारायण का, और अच्छा लग रहा था। मतलब जिस तरह का वो प्रिमाइज था उसको सूट कर रहा था। कलयुग अपने चरम सीमा पे हैं, लोग परेशान हैं, हताश हैं, और कुछ ऐसे सुपर पावर्स आ चुके हैं जो कि पूरी तरह से रूल करने का कोशिश कर रहे हैं अर्थ को। और ऐसा लग रहा था कि दीपिका पादुकोण जो है, जो रेडर्स की टीम है या तो फिर जो विलन्स की टीम है, बैड गाइज की जो टीम है, उनके टीम में है, उनको कुछ रियलाइज़ होता है या फिर वहाँ से हटने का कोशिश करती हैं, या तो किसी उनके अपने के साथ कुछ बुरा होता है, ऐसा कुछ लग रहा था। एंड देन एंटर्स प्रभास, एंड प्रभास का भी हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो भी किसी और टीम में, और फिर उनको रियलाइज होगा, जो कि रियलाइज करवाने का काम आई थिंक कि बच्चन साहब करने वाले हैं। और पूरा मुंह कवर्ड है उनका, कुछ भी लुक वगैरह रिवील नहीं किया गया है। एक दो शॉट जो कि बहुत ही इंप्रेसिव थे बच्चन साहब के, बहुत अच्छा लगा। एक हमको लगता है कि शायद उनका हम नाम भूल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं यार, कहानी में जो बॉब विश्वास बने थे, रणबीर कपूर के साथ भी थे, उनका नाम हम शायद भूल रहे हैं, उनको वो थे शायद, हमको फिर क्लोजअप में देखना पड़ेगा उसको पॉज करके। वो शायद विलन को हेट कर रहे थे अभी तक जब तक कमल हासन साहब का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा था यार, बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली जो कि जैसे वॉर सिक्वेंसेज एक दो आए, रोबोट का कुछ आया, टेक्नोलॉजी प्रभास कुछ जो हाथ से ऐसे कर रहे होते हैं, वो सब तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड वो जो शॉट था व्हाट इज़ प्रोजेक्ट के बोलता है और यहाँ से जो प्रभास निकालते, वो शॉट हमको खासकर काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था काफ़ी, देखो कुछ रिवील वैसा नहीं कर दिया गया है, एक दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया गया हम लोग को, और जो कि हमको काफ़ी अच्छा लगा। लिटरली जितना कुछ चल रहा था कि नहीं आदि पुरुष हो जाएगी और ये वो, नहीं, कोसों दूर है उस चीज़ से। एंड दिस हैज़ गॉट मी रियली एक्साइटेड, बहुत ही ज़बरदस्त है अभी तक के लिए। एंड 2024 में कब आएगा रिवील नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली इसका जो पहला जो जब अनाउंसमेंट हुआ था, जब प्रोजेक्ट के का पहला दिन का शूटिंग हुआ था गुरु पूर्णिमा पे, उसके बाद हम लोग जो
डिस्कशन कर रहे थे कि वो हो सकता है टाइटल, आखिर में वही टाइटल निकल के आया कल की, और ये टाइटल इतने लोगों को खींचेगा अपनी तरफ, इतने लोगों को आकर्षित करेगा, और सही से अगर बना दिया फिल्म, स्काई द लिमिट फॉर दिस फिल्म एंड इट विल बी लाइक अ फ्रेंचाइज, सुपर हीरो यूनिवर्स टाइप का होगा। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अच्छे से बात करेंगे इस पर डिटेल में सुबह, अभी और बहुत बार देखना पड़ेगा, अभी तो एक ही बार देखें, जितना कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं, रिकलेक्ट कर पा रहे हैं दिमाग में उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा यार, मतलब फाइनली थोड़ा सा शांति तो हमको तो मिला कि कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा था कि यार एकदम ही खराब हो गया तो क्या होगा, लेकिन नहीं, नागश्विन आई थिंक दिस फिल्म इज इन सेफ हैंड्स। सो आपका क्या रिएक्शन है, या फिर आपका क्या रिव्यू है, आपका क्या थॉट्स है इस कल की 2898 AD के ऑफिशियल फर्स्ट ग्लिम्स के बारे में, कमेंट में बताना, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। बाकी सुबह मिलते हैं डिटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।